नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एंटीबायोटिक के बारे में जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों में यूज़ होती है, यानी ये 5 से 6 प्रकार की बीमारियों में यूज़ होती है। तो एंटीबायोटिक आपको ऐसे भी पता होगा कि अलग एक ही एंटीबायोटिक कई बीमारियों में यूज़ किया जा सकता है। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ रॉक्सीथ्रोमाइसिन टैबलेट्स के बारे में, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये टैबलेट होती क्या है, कहाँ कहाँ पर यूज़ की जाती है, इसके अलावा इसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं, साइड इफेक्ट क्या होते हैं और इसकी डोज क्या होती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें रॉक्सीथ्रोमाइसिन के बारे में, तो रॉक्सीथ्रोमाइसिन एक प्रकार का सेमी सिंथेटिक माइक्रोलिक एंटीबायोटिक होता है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर में जो उसके वाइटल फंक्शन के जो प्रोटीन होते हैं, एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं, उनको प्रिवेंट करता है, उनके सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर यानी बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन्स नहीं बनते हैं और बैक्टीरिया जो है वो नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो जिंदा नहीं रह पाता है। इस तरह से दोस्तों ये जो एंटीबायोटिक है ये बैक्टीरिया की ग्रोइंग को प्रिवेंट करता है, उसके स्प्रेड उसके इन्फेक्शन के स्प्रेड को यानी कि उसके इन्फेक्शन को फैलने को भी रोकता है। यानी कुल मिला के इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है ये बॉडी के अंदर मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको रोक देता है। इस तरह से ये एंटीबायोटिक तरह काम करता है। अब अगर इसके यूजेस के बारे में दोस्तों मैं बात करूं कि ये मेडिसिन कहां कहां पे यूज की जाती है, तो रॉक्सीथ्रोमाइसिन मेनली यूज की जाती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, जैसे कि ईयर थ्रोट एंड नोज इन्फेक्शन है तो वहां पर हम रॉक्सीथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको नाक से संबंधित कोई समस्या है, कान से संबंधित कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन ध्यान रखें वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तभी हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों न्यूमोनिया में, न्यूमोनिया के अंदर में जो फेफड़ा है उसमें पानी भर जाता है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और ऐसी कंडीशन में भी हम रॉक्सीथ्रोमाइसिन टैबलेट यूज करते हैं। इसके अलावा एक्यूट ब्रोंकाइटिस में इसका यूज किया जाता है, यानी कि अगर ब्रोंकाई में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वहां पे हम यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों साइनसाइटिस में यूज करते हैं, साइनस की यहाँ पे होता है साइनस, ठीक है, तो साइनस में कई बार इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से साइनस में पानी भर जाता है, तो वो कंडीशन साइनसाइटिस कहलाती है, तो वहां पे भी हम रॉक्सीथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फेरेंगाइटिस में यूज कर सकते हैं, फेरिंग्स के इन्फेक्शन में कर सकते हैं, और इसे टॉन्सिलाइटिस में भी यूज किया जाता है, यानी कि टॉन्सिलाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से वो बढ़ जाता है और फिर गले में आपको दर्द का अनुभव होता है, ये सारी कंडीशंस आती हैं, तो वहां पे भी रॉक्सीथ्रोमाइसिन यूज किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसे हम यूज़ कर सकते हैं जेनिटल इन्फेक्शन में, जेनिटल इन्फेक्शन या फिर जो जैसे कि आपके जो जेनिटल्स होते हैं वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर भी रॉक्सीथ्रोमाइसिन यूज किया जा सकता है। यानी कि इसका जो यूज़ होता है वो एक ब्रॉड मतलब एक बहुत सारी बीमारियों में करते हैं, मेनली कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग करते थे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और जेनिटल इन्फेक्शन में। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके ब्रांड के बारे में कि मार्केट में कौन कौन सी ब्रांड आती है, तो मार्केट में इसकी बहुत सारी ब्रांड आती है, जैसे ये रॉक्सी मैक्स के नाम से आती है, रॉक्सी मैक के नाम से, और इसका जो मेनली जो मेडिसिन आती है वो 150 एमजी में आती है, तो रॉक्सी मैक 150-150, या फिर ये मार्केट में आती है रॉक्सीबेल के नाम से भी आती है और रॉक्सी एज के नाम से भी आती है। यानी कि इसकी बहुत सारी ब्रांड मार्केट में आपको मिल जाएगी, जो भी आपको आसानी से मिलती है आप ले सकते हैं, अगर केवल रॉक्सीथ्रोमाइसिन के नाम से मिलती है तो आप उसे भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि जेनरिक मेडिसिन लें, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन आपको सस्ती भी मिलेगी। तो अब नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूँ इसके स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पेडियाट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे रॉक्सीथ्रोमाइसिन दिया तो जाता है, लेकिन इसे कम डोज में दिया जाता है, और बच्चों के अंदर जो बच्चे 6 महीने से नीचे के हैं उनमें ये यूज़ नहीं किया जाता है, उनमें रिकमेंडेड नहीं होता है। साथ में दोस्तों प्रेगनेंसी के अंदर में ये सेफली स्टेबलाइज नहीं होता है, मतलब ये क्लियरली नहीं पता होता है कि मतलब कुल मिला के इतना समझिए कि प्रेगनेंसी के अंदर इसे तभी देना है जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बाकी दूसरे पे हम डिपेंड हो सकते हैं। इसके अलावा लैक्टेशन में इसे नहीं यूज़ किया जाता है, एल्डरली पेशेंट्स में कोई समस्या नहीं होती तो कोई स्पेशल प्रॉब्लम नहीं आती है तो उनको आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करूं दोस्तों साइड इफेक्ट के बारे में कि रॉक्सीथ्रोमाइसिन टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे नॉजर वोमिटिंग की समस्या आ सकती है, गैस्ट्रल्जिया हो सकता है यानी कि पेट में दर्द हो सकता है, नॉजर वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया की समस्या देखी जाती है, रेयर रैसेस आपको शरीर पे यानी कि लाल कलर के चकत्ते या रैसेस दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो लीवर एंजाइम है उनमें बढ़ोतरी देखने को भी मिलती है, तो लीवर एंजाइम भी बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से अगर रॉक्सीथ्रोमाइसिन लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो एक सलाह दी जाती है कि लीवर आपको टेस्ट कराते रहना चाहिए, लीवर एंजाइम टेस्ट कराते रहना चाहिए।
अब लास्ट में दोस्तों मैं बात करूं कि रॉक्सीथ्रोमाइसिन टैबलेट की डोज क्या होती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे लिए 150 mg में आती है, 150 mg में आती है। तो 150 mg की जो टैबलेट होती है उसे हम दिन में दो बार यूज करते हैं, यानी बीडी यूज करते हैं, सुबह और शाम खाना खाने के बाद इसे यूज किया जा सकता है अगर आपको इसमें से कोई सी समस्या है जो मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया रॉक्सीथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों अगर आपने हमारा हेल्थ मुकेश चैनल नहीं देखा है तो उसे जरूर देखना, और एक बार जरूर देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।